हेलो गाइस, हियर आर सम 10 पीसी टिप्स यू नीड टू नो अबाउट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, जो हमारा सबसे पहला शॉर्टकट है वो है आपको अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है और यहां से आपको न्यू में जाकर एक नया शॉर्टकट क्रिएट करना है और इसको आपको नाम दे देना है स्लाइड टू शट डाउन। और जैसे ही आप इसको नाम देंगे, एंटर करके आपको फिनिश कर देना है। एंड देन यहाँ पर अगर आप जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे तो बस आपको इसको स्लाइड करना है और आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा। सो ये एक बहुत कूल तरीका है अपने पीसी को शट डाउन करने के लिए। जो हमारी थर्ड ट्रिक है वो है क्रोम थीम चेंज। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रोम की जो थीम है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे क्रोम पे ही देख रहे होंगे कि मैंने एक गोकू का लगा रखा है, तो आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने इस एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको चेंज थीम करना है और यहाँ पर आपको एक अपलोड इमेज कर देना है। अपलोड इमेज में आप अगर आप इमेज अपलोड करेंगे तो वहाँ पर खाली इमेज आएगी। तो इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए आपको अपने क्रोम पे सर्च करना है कोई भी गिफी। आपको यहाँ पर अपने इमेज को गिफी फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। तो जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ बर्सर गिफी। तो यहाँ पर मुझे पहली साइट पे बर्सर के बहुत सारे गिफी दिख जाएंगे। तो जैसे कि मुझे कौन सा पसंद आ रहा है, मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ। बस कुछ नहीं, इसको आपको डाउनलोड करना है, बस इसको आपको सेव एज इमेज कर लेना है। और एंड अब आपको करना क्या है, आपको फिर से इस पे आ जाना है, एडिट पे क्लिक करना है, चेंज थीम करना है और यहाँ पे अपलोड एन इमेज करना है और आपको उस चीज़ को लोकेट करना है जो आपने डाउनलोड अभी करी थी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा जो थीम है वो चेंज हो चुकी है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज डैट कि अगर आपको बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के अपने पीसी में से कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या फिर कोई वायरस है उनको रिमूव करना है तो क्या करें, आपको अपने कीबोर्ड पे विंडोज आर को प्रेस करना है एंड यहाँ पर आपको एक कीवर्ड सर्च करना है MRT एंड देन एंटर करना है, इसको अलाउ कर देना है। एंड यस करने के बाद आपका कुछ ऐसा स्क्रीन पॉपअप हो जाएगा। आपको बस इसे नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, फुल स्कैन, कस्टमाइज स्कैन। आप यहां से अपने हिसाब कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सो क्विक स्कैन इज बेस्ट, तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा। कभी कभार ऐसा होता है कि वैसे तो ये यूजुअली 1-3 मिनट लेता है, पर कभी कभार ऐसा होता है कि ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ये जैसे ही आपका स्कैन कर लेगा, सो ये विंडोज का ये अपना ही एक सॉफ्टवेयर रिमूवर टूल है की हेल्प से आप अपने सिस्टम में से वायरसेस और अपने मैलिशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो है ना ही कमाल का। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, जैसे कि आपने बहुत सारे टैब खोल रखे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आप इन्हें मैन्युअली क्लिक कर रहे हैं बंद करने के लिए, तो इससे बढ़िया आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल W प्रेस करिए, WWWW, एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके वो सारे टैब अपने आप ही हटते जा रहे हैं। सो ये बहुत बढ़िया है, मैं इसको यूज करता हूँ, काफी टाइम सेविंग है। एंड द थर्ड वन इज कि आप ये मेरा माउस देख रहे होंगे, मेरा माउस का जो कलर है रेड है। सर्च करना है माउस सेटिंग्स सिस्टम सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे देखने के लिए। सो आपको एक अगर आपको कस्टम कलर चाहिए तो यहाँ से आप एक कस्टम कलर चूज कर सकते हैं। मुझे रेड पसंद है तो मैंने रेड कर रखा है। तो इस हिसाब से आप अपने पॉइंटर का साइज भी जो छोटा और बड़ा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। सो है ना काफी कूल तरीका। स्टेप इज टाइपिंग सेटिंग डैट कि आपने कभी देखा होगा कि आप कोई चीज लिख रहे हैं और उसमें कुछ गलती हो गई, तो आप उसे दोबारा जाएंगे और दोबारा उसको ठीक करेंगे। सो ये ना करके आप एक और चीज कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड पे आपको सर्च करना है टाइपिंग सेटिंग एंड यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे हाईलाइट मिसस्पेल्ड वर्ड्स, तो आपको इन सबको ऑन कर देना है और यहाँ पर आपको एक शो टेक्स्ट सजेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, तो ये काफी हेल्प करता है आपकी, तो इसको भी आपको ऑन कर देना है, ऑटो करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड एज अ टाइप। सो इन सब चीज़ों को आपको ऑन कर देना है जिससे आपकी टाइपिंग में काफ़ी हेल्प होगी। तो जैसे कि आपने कोई टैब ओपन कर रखा था और आपने वो गलती से रीड कर दिया, तो हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट टैब हो, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट टी को प्रेस करना है जिसकी वजह से जो आपका डिलीटेड टैब था जो आपने हटा दिया था वो दोबारा आ जाएगा। सो ये है ना काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टिप और जो काफ़ी काम आ सकती है, सो इसको मत भूलिएगा। एंड लास्ट वन अ बोनस टिप इज डैट इफ यू प्रेस Windows and dot, then you can open your emoji board. So इसी तरीके के amazing tips and tricks के लिए subscribe कर दीजिए Tech Advisor Alpha को। मिलते हैं अगली ऐसी एक और amazing video में।